स्पेशली एक गाड़ी इसमें खड़ी रहती है जो सिर्फ पेशेंट के लिए होती है, जो कोई मरीज हुआ उसमें जो किसको कोई दिक्कत तकलीफ हुई तो फिर वो ड्राइवर भी होता है तत्काल में गाड़ी निकालता है, आपको बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। और आपके इकामे में जो आपका इकामा होता है उसमें इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होने में उसमें 5 रियाल आपका सिर्फ दवा का लगता है, बाकी सारा पैसा इंश्योरेंस वाले देते हैं उसमें भर के। अगर कोई तगड़ी दिक्कत हो गई, ज़्यादा बड़ी मर्ज हो गई, आपको कोई हैवी प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको पैसा भरना पड़ेगा, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम में कोई पैसा नहीं भरना पड़ता, क्योंकि सस्ता वाला इंश्योरेंस करवा के दे देते हैं हम लोग। तो ऐसा होता है फिर वो बता के आपको खर्चा दे के चला जाएगा कि आपका मेडिकल फला तारीख को होना है, आपको खर्चा मिल जाएगा तत्काल में, 200 रियाल खर्चा देते हैं, कोई 250 देता है, कोई 150 देता है, जैसा कंपनी का रूल होता है उस हिसाब से खर्चा आपको मिल जाता है तुरंत तत्काल वहाँ पे, कि नया बंदा आया पता नहीं इसके पास पैसा है कि नहीं है, पैसा आपको दे देंगे 100-200 रियाल, उसके बाद में आप अपना खर्चा चलाओ, आपको बता के चला जाएगा बंदा कि आपको 2-3 दिन के 4 दिन के बाद आपका मेडिकल होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंपनी वर्कर के बारे में, कंपनी वर्कर को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं सऊदी अरब जाने में, वहाँ पे जब बंदा आता है यहाँ से कंपनी का वीजा लगवाने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज उसको वहाँ पे मिलती हैं, सब कुछ जानने वाले हम लोग डिटेल बाई डिटेल, कितनी बेनिफिट है कंपनी में काम करने में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने में। इससे पहले भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है कंपनी वर्कर के बारे में और प्राइवेट सेक्टर वर्क के बारे में, अगर आप लोग नहीं देखो तो ये वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, वर्कर में कोई भी हो, हेल्पर जा रहा हो, ड्राइवर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो, सेटरिंग कारपेंटर हो, पेंटर हो, कोई भी बंदा जा रहा हो यहाँ से वर्कर में, कंपनी वर्क में, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज उसको मिलती है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि कंपनी में जाने के लिए बहुत सारी जिल्लतें यहाँ पे झेलनी पड़ती हैं डायरेक्ट कंपनी का वीजा लेने के लिए। कई बार आपको इंटरव्यू देना पड़ जाता है यहाँ पे अपने अपने ही देश में, आप कहीं से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, डायरेक्ट कंपनी में जाने के लिए आपको कई सारी जिल्लतें झेलनी पड़ जाती है यहाँ पे। ऐसा होता है कि अगर सीवी सिलेक्शन पे हो रहा है काम उसका, तो सीवी सिलेक्शन में पेमेंट ज्यादा लगती है उसकी, उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो लगती है उसमें, या कुछ आपका बायोडाटा अच्छा मांगती है कंपनी। ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनी है अगर फ्रेशर ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर फ्रेशर बंदा बहुत कम लेती है कंपनियाँ, ज़्यादातर रिटर्न बंदे की रिक्वायरमेंट करती हैं, नहीं तो फिर इंटरव्यू करवाती है, इंटरव्यू कराने के बाद फिर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद फिर आपका वीजा लगता है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है जो कि बंदा यहाँ से डायरेक्ट कंपनी में पहुँचता है, डायरेक्ट कंपनी में पहुँचने के बाद बहुत सारे बेनिफिट वहाँ पे आपको मिलते हैं, सब कुछ जानने वाले हम लोग आज की वीडियो में। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले, और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट से। जैसे आपकी फ्लाइट यहाँ से उड़ी, आप रात में पहुंचे वहाँ पे, ऐसा होता है दिन में भी पहुंच सकते हो, बट आप ये समझिए अगर रात शाम को पहुंचे आप वहाँ पे, रात में पहुंचने के बाद जो कंपनी की गाड़ी होती है, कंपनी का बंदा होता है, वो आपको लेने आएंगे वहाँ पे, वो एयरपोर्ट पे खड़े रहेंगे, कोई ऐसा होता है बोर्ड लेके खड़े होते हैं, कोई ऐसा होता है नाम बुलाते हैं, कोई भी कंपनी आपकी हो। जैसे मैंने एक बंदा भेजा भेजा था अभी, मेरा भाई था, मेरा फूफा का लड़का था, वो गया था अभी हाल ही में, तो ऐसे वो अल अंसाब कंपनी में गया था, तो ऐसा होता है अगर अल अंसाब अल अंसाब बुलाएंगे, हाँ भाई आपकी कंपनी है, हाँ मैं इसी कंपनी से हूँ, ठीक है आप आ जाओ लाइन में आ जाओ, जितने बंदे होंगे सबको लाइन से खड़ा करेंगे, लाइन से खड़ा करने के बाद अब उनके बंदे पूरे हो जाएंगे, फिर वो लेके जाके गाड़ी में बिठाएंगे आपको, गाड़ी में बिठाने के बाद आप सीधे जब कैंप पहुँचते हो वहाँ पे, तो कैंप में आपको वहाँ पे रखा जाएगा, आपको बेड मिलेगा, कंबल मिलेगा, तकिया मिलेगी, गद्दा मिलेगा, ये सब मिलने के बाद आप इत्मीनान से सोते हो रात में वहाँ पे, इत्मीनान से सोते हो, आपको खाना मिलना वहाँ पे मिल ही जाता है, ऐसा होता है कोई दो भाई दो दोस्त भाई मिल जाते हैं अपने, इंडियन में मिल जाए, पाकिस्तान से मिल जाए, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं के भी मिल जाए, तो उन लोग क्या होता है नया बंदा जाता है तो इज़मान से बैठा के खिलाते पिलाते हैं उन लोग, अगर खाना वाना नहीं बनाता है कोई तो फिर आप होटल से खा सकते हो, क्योंकि 100-200 रियाल तो आपको डाल के लेके जाना ही होता है यहाँ से, होटल से खाना वाना खा के आप आराम से सो जाते हो, सोने के बाद सुबह होती है जब, तो सुबह जो कंपनी का बंदा आता है वो आपको सब बताएगा, पूरा सिस्टम उसकी फैसिलिटी समझाएगा कंपनी की, कि ये काम है ऐसा ऐसा इसमें करना पड़ता है और इतनी इतनी ड्यूटी होती है, इतनी आपकी सैलरी है, सब कुछ बताएगा आपको वहाँ पे, आप बोलोगे ठीक है हाँ सही है, फिर बोलेगा ठीक है आप लोग का मेडिकल होना, आप लोग रेडी हो जाओ आज या कल या परसों 2-3 दिन में, फिर बोलेगा आपका मेडिकल कराना है क्योंकि आपका काम बनना है सबसे पहला काम। तो ऐसा होता है फिर वो बता के आपको खर्चा दे के चला जाएगा कि आपका मेडिकल फला तारीख को होना है, आपको खर्चा मिल जाएगा तत्काल में, 200 रियाल खर्चा देते हैं, कोई 250 देता है, कोई 150 देता है, जैसा कंपनी का रूल होता है उस हिसाब से खर्चा आपको मिल जाता है तुरंत तत्काल वहाँ पे, कि नया बंदा आया पता नहीं इसके पास पैसा है कि नहीं है, पैसा आपको दे देंगे 100-200 रियाल, उसके बाद में आप अपना खर्चा चलाओ, आपको बता के चला जाएगा बंदा कि आपको 2-3 दिन के 4 दिन के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में फिर आपका इकामा बनेगा, इकामा बनेगा फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी काम की, ठीक है। तो ऐसा होता है फिर जिस दिन मेडिकल कराने का नंबर आता है, मेडिकल होता है आपका, मेडिकल होने के बाद आपका इकामा बनता है, इकामा बनने के बाद जब आपका इकामा बनता है तो कोई कोई ऐसा होता है कि इकामा बनने के 1-2 दिन पहले आपको दिखा देते हैं काम, हम सिखा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं 2-3 दिन की, ठीक है, या ऐसा होता है इकामा बन गया आपका, इकामा बनने का फिर आपका आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे देंगे, आपको बताएंगे, एक कोच होगा आपका वहाँ पे, सबको दिखाएगा, आपको काम बताएगा, ये सिस्टम इसका इसका ऐसे है, ये ऐसे ऐसे होता है काम, ठीक है, और इतनी इसमें आपको इतनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको सुबह इतने टाइम आना, शाम को इतने टाइम जाना है, सारे काम आपको बता देगा वहाँ पे, आपकी एक्चुअल ड्यूटी होगी, चालू हो जाएगी वहाँ से,
ड्यूटी चालू होने के बाद फिर आपको जो आपकी इसे 8 घंटे की ड्यूटी है, आप यहाँ से गए हो तो 8 घंटे आप ड्यूटी करोगे वहाँ पे। 8 घंटे ड्यूटी के बाद अगर आपको ओटी मिलना है तो फिर आपको सुपरवाइजर बताएगा कि आपकी इतनी ओटी आप करोगे, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ऐसा होता है कि काम ज़्यादा है तो फिर सारे बंदों को बोलेगा आप लोग ओटी करो, आप लोग कितने दिन की ओटी आपको करना है ओटी, तो फिर आपको ओटी करनी पड़ेगी सारे बंदे के लिए, तो साथ में आपको भी करनी पड़ेगी। तो दो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटे ड्यूटी करा, 10 घंटे ड्यूटी कर दी आपकी, 10 घंटे तक ड्यूटी करो उसमें। 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप अपने अपने रूम पे आ जाओ, हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी करो, 1 दिन छुट्टी हो जाएगी जुम्मे को आपकी। अगर जुम्मे को भी ड्यूटी आपसे करवा रहा है तो जुम्मे का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, 60 रियाल, 70 रियाल, 100 रियाल, इस हिसाब से जुम्मे जुम्मे का पैसा लगता है कंपनी में। ऐसा होता है सारी कंपनियों में, ऐसा ही होता है। अगर जुम्मे को काम कराएंगे तो हो सकता है सैलरी के हिसाब से पैसा आपका लगाएं, या हो सकता है फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा उसमें ऐड कर देंगे उन लोग जुम्मे जुम्मे का, कि 60 रियाल, 70 रियाल, 80 रियाल, 100 रियाल एक जुम्मे का इसमें ऐड है। 4 जुम्मा करवाएंगे तो 100, 200, 300 रियाल या 400 रियाल उसमें आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी ओटी लगेगी 8 घंटे की ड्यूटी छोड़ के, जो आपकी 2 घंटे की ओटी है वो भी आपकी सैलरी में ऐड होकर आएगी हर महीने महीने, ठीक है। तो आपकी ओटी मिल गई, ये एक बेनिफिट ही, आप समझिए। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में फिर आपको ऐसा होता है जुम्मे को थोड़ा बहुत काम के लिए भेज भी देंगे तो फिर उसका कुछ नहीं देंगे, 10-20 रियाल दे देंगे या बिरयानी विरयानी खिला देंगे, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत खर्चा कर देंगे सबके पीछे, ठीक है जाओ हो गया। या अगर ड्यूटी चल रही है, अगर ओटी है उसमें कि हाँ 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटे आप ओटी कर लो तो फिक्स ओटी सबकी ओटी होगी, नहीं होगी तो फिर आधा घंटा 20 मिनट अगर काम एक्स्ट्रा करवा लेंगे तो उसका कुछ नहीं मिलता। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में कंपनी का रूल ये अच्छा होता है कि उसमें जब 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 ही घंटे करो आप, 10-20 मिनट आधा घंटा कुछ नहीं हो सकता आगे पीछे। फिर आप ड्यूटी करो, आपकी ड्यूटी शिफ्ट खत्म हो गई, आप जाओ, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आप चले जाओ, दूसरे शिफ्ट वाले आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो फिर आप आपकी ड्यूटी करो, आपके महीने की जो सैलरी बनेगी आपकी ओटी आपका जुमा और सब मिला वाला के आपके खाते में सैलरी आपकी आ जाएगी। और अगर ड्राइवर में आप हो, और ड्राइवर में जैसे आप पहुंचे वहां पे, अगर फ्रेशर हो यहाँ से, आपके पास गल्फ लाइसेंस नहीं है, अगर आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट करी थी कि मुझे फ्रेशर बंदा चाहिए, तो यहाँ से जैसे आप पहुंचे वहां पे सबसे पहला काम आपका इकामा बनेगा। इकामा बनने के बाद सबसे पहला काम आपका लाइसेंस बनाएगी कंपनी आपकी। लाइसेंस बनाने के बाद जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में फिर आपकी ड्यूटी चालू हो जाएगी ड्राइवर की। आपको पहले से बताया भी जाएगा कि आपका ये रूट है, ये काम आपका, इतना इतना काम आपका रहेगा, ये सब सारे सिस्टम समझाने के बाद फिर आपकी ड्यूटी चालू करेंगे ड्राइवर में। लाइसेंस बनने के बाद ये सिस्टम इसमें होता है, लाइसेंस का पैसा जो होता है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, इकामा का पैसा तो देती है कंपनी, उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आप जब महीना पूरा हुआ आपकी सैलरी सब मिल गई, ऐसे ही काम चलता रहेगा आगे भी। ऐसा हुआ अगर ओटी बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं तो नहीं बढ़ी तो फिर आपकी जो 8 घंटे की ड्यूटी थी, 8 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी, 8 घंटे की ड्यूटी की जो जो सैलरी आपकी थी वो सैलरी आपको 8 घंटे की मिलेगी, उसमें ओटी मिलेगी तो लगाएंगे उन लोग, ओटी नहीं होगी तो फिर नहीं करवाएंगे उन लोग, ठीक है। और ये सब होने के बाद ऐसा हुआ बाई चांस बीच में कहीं आप बीमार पड़ गए, कोई तकलीफ आपको हो गई, जैसे कोई कुछ भी बुखार आ गया, या आप काम पे नहीं चल पा रहे हो, या चोट लग गई आपको, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो स्पेशली एक गाड़ी इसमें खड़ी रहती है जो सिर्फ पेशेंट के लिए होती है। जो कोई मरीज हुआ उसमें जो किसको कोई दिक्कत तकलीफ हुई तो फिर वो ड्राइवर भी होता है, तत्काल तो में गाड़ी निकालता है, आपको बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। और आपके इकामे में जो आपका इकामा होता है उसमें इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होने में उसमें 5 रियाल आपका सिर्फ दवा का लगता है, बाकी सारा पैसा इंश्योरेंस वाले देते हैं उसमें भर के। अगर कोई तगड़ी दिक्कत हो गई, ज्यादा बड़ी मर्ज हो गई आपको, कोई हैवी प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको पैसा भरना पड़ेगा, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम में कोई पैसा नहीं भरना पड़ता, क्योंकि सस्ता वाला इंश्योरेंस करवा के दे देते हैं हम लोग। ये बंदा है जिसको बुखार जुकाम या कोई खांसी या कोई तकलीफ हुई तो फिर 5 रियाल में इसकी दवा दे देना, तो कंपनी वो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो इंश्योरेंस देख के आपका, उसके बाद में 5 रियाल में दवा आपको दे देते हैं, ठीक है। वो स्पेशल गाड़ी भी खड़ी होती है आपको तत्काल लेके जाने के लिए, जो कंपनी का काम ऐसा होता है। ऐसा हुआ जैसे कोई कोई कंपनी खाना प्रोवाइड करती है, कोई कोई कंपनी होती है खाना उसमें नहीं मिलता, अपने हाथ से बनाना पड़ता है, तो ऐसा होता है कि इसमें बस भी खड़ी रहती है, जो कंपनी बसेस होती है वो हर जुम्मे जुम्मे को सारे वर्कर्स को बैठा के उसमें लेके जाती है मार्केट, सुपर मार्केट लेके जाएंगे, वहाँ पे भी 1-2 घंटे का टाइम देंगे आपको, 1-2 घंटे का टाइम आपके पास है, आप यहाँ पे सारी सब्जी ले लो, इतने टाइम में आप यहाँ पे बस में चले आना। सारे वर्कर्स होते हैं वो जाते हैं सामान वामान खरीदने के बाद, वो अपने टाइम पे आके बस में बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो लेके चली जाती है फिर से वापस कैंप में, तो हर जुम्मे जुम्मे को बस निकलती है वहाँ से जाने के लिए। किसी को पैसा लगाना हुआ, किसी को सामान खरीदना हुआ, कुछ करना हुआ, तो कपड़े खरीदने हुए, तो फिर वो ऐसा होता है जुम्मे जुम्मे को हो जाता है सबका काम, ठीक है। वो सब होने के बाद जब आपका सफर पूरा हुआ, सफर पूरा करने का मतलब ऐसे आपका 2 साल का 3 साल का सफर पूरा हुआ, तो जब वहाँ से आप आते हो, अगर आप छुट्टी लेके आ रहे हो या एग्जिट लेके आ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता कंपनी को। अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको एग्जिट मिल जाएगा, छुट्टी आप लेना चाहते हो तो छुट्टी आपको मिल जाएगी। तो जब जैसे आप निकले वहाँ पे, तो कंपनी के जो गवर्नमेंट का रूल है वहाँ पे, कंपनी से बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करने के बाद निकला तो उसको उतना इतने साल का बोनस उसको मिलना चाहिए, 1000 रियाल, 1200 रियाल, 1500 रियाल सालाना बोनस बनता है उसमें। अगर तो 2-3 साल रुके हो आपको तो 3000 रियाल, 4000 रियाल, 4500 रियाल ऐसे बोनस आपका बनता है, आपको बोनस दे दिया जाएगा, आपका टिकट दे दिया जाएगा कि आप आराम से जा सकते हो अपने देश, कोई दिक्कत नहीं।
ये सिस्टम होता है कंपनी का दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।